बेल का वृक्ष होता है। आज है नवरात्रि का सातवां दिन। सातवें दिन पे आज हमारे बस्तर में बस्तर दशहरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं 75 दिनों तक ये दशहरा चलता है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। तो आज उसमें है एक रिचुअल बेल पूजा। बेल पूजा से तात्पर्य है कि बेल का वृक्ष होता है, उनकी बेल माता की पूजा होती है। बेल माता की पूजा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जब राजा जी आते हैं पूरे गांव में, जगदलपुर के पास में एक गांव है सरगीपाल, आते हैं राजा जी बारात को लेके, और गांव वाले जो होते हैं वो उनकी स्वागत के लिए इतनी सारी तैयारियां करते हैं, मतलब देखने लायक चीज है यार, सच्ची बता रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और राजा जी जब आते हैं तो उनका स्वागत में मतलब कोई कमी नहीं, स्वागत इतना जबरदस्त कि गाजे नगाड़े फटाकों के साथ में उनका भव्य स्वागत होता है। और राजा जी यहाँ आते हैं और यहाँ पर बैठ के पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो पेड़ है जिसकी पूजा होती है, यहाँ पे एक सरगी का झाड़ है और एक आपका बेल का झाड़ है, ये दोनों की पूजा होती है। बेल के फल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऊपर में बेल का पत्र लाल चुनरी में बंधा हुआ है, ये इसे राजा जी ऊपर चढ़ेंगे और तोड़ेंगे, उसके बाद बस्तर दशहरे में शामिल करने के लिए बेल माता को अपने साथ लेके जाएंगे। अभी जो रिचुअल हो रहा है वो हो रहा है एक्चुअल में राजा जी के स्वागत के लिए। राजा जी का स्वागत होने वाला है जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। मैंने कहा कि मैंने जब इतना अच्छा रिचुअल देखा है तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। बस्तर की ऐसी परंपराओं को देख के हमें तो लगता है कि आप सभी को भी एक बार बस्तर दशहरा देखने आना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग रिचुअल होते हैं, अलग अलग मतलब जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे ना, वो आपको इस बस्तर दशहरे में देखने को मिल जाएंगे। मेरा मानना है कि आप लोग भी बस्तर दशहरा आइए, और अगर आप लोग आते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपको रिचुअल कैसा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे इसलिए लगा कि आपको दिखाना चाहिए। मतलब राजा जी मतलब जैसा एक आम इंसान की बारात को ले जाने में जितनी मेहनत होती है ना, उससे कई ज़्यादा मेहनत तो राजा जी के साथ में होती है यार। मतलब लोग आसपास के गांव वाले, मतलब आप पूरा समझ जाओ, बस्तर के लोग वहां पे एक साथ हो जाते हैं और राजा जी का स्वागत देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी धूमधाम के साथ कर रहे हैं। देखिए देखिए राजा जी के पैर धुलाए जाएंगे, उसके बाद पूजा अर्चना होगी। मतलब अलग अलग परंपराएं हैं यार, अलग अलग रिचुअल हैं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ठीक है, आप लोग अब फील करिए, क्योंकि मैंने स्टोरी आपको सारी बता दी है तो आपको सारी स्टोरी इजी वे में समझ में आ जाएगी। बाय बाय।
गाइस कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहां से आने के बाद हम लोग चले गए थे गरबा, तो गरबे की भी कुछ कुछ वीडियोज है, वो एंजॉय करिए। बाकी ठीक है, मजा आया यार मुझे काफी। आपको कैसी लगी स्टोरी वो जरूर बताइएगा।